हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा बेटा, आज हम लोग रूल नंबर 2 आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं। तो उसमें आपको बताए थे पिछले क्लास में कि कैसे रूल में आप लोग को कैसे नेमिंग करना है। चलिए बेटा, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, लोग उसको देखने के इसको देखिएगा, क्योंकि आप उसको नहीं देखिएगा तो इस लेक्चर को आपको समझना मुश्किल होगा और समझ आप इजली नहीं पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जो बच्चे लोग नए जुड़ रहे हैं उस सब्सक्राइब वाले बटन को पे क्लिक कर लीजिएगा बेटा लोग, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आप आगे वाले जितने भी वीडियो आएगा आप इजली नोटिफाइड हो जाओगे बेटा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग को रूल नंबर 2 में आप लोग को नंबरिंग करना है बेटा लोग। नंबरिंग किसको करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। नंबरिंग करते हैं बेटा लोग पेरेंट चेन। तो देखिए किस तरह से पेरेंट चेन में नंबर करते हैं, वो इस लेक्चर में आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में सिलेक्शन करना सीख गए थे कि कैसे हम लोग पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है आप लोग को बच्चा लोग, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो ये सेलेक्ट कर लिए थे जिसमें 6 मैक्सिमम कार्बन संख्या था। कार्बन का यहाँ पे 6 मैक्सिमम कार्बन चेन था, जो कि पेरेंट चेन जिसको बोल रहे थे। अब देखिए इसको नंबरिंग करते हैं। तो दो तरफ से नंबरिंग करेंगे, एक तरफ से इस तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं तो इस तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 है, 2 है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथे कार्बन है। तो चौथे कार्बन पर देख रहे हूँ कि आप लोग को सब्स्टिट्यूएंट एक मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। तो देखिए उसके बाद पांचवे कार्बन है, छठे कार्बन है। इधर से अगर काउंट करते हैं तो इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4th है, 5th है, 6th है। इधर से अगर आप काउंट करते हैं तो देखिएगा आपको 4th नंबर पे आपको मिल रहा है एक साइड चेन, और इधर से काउंट करते हैं तो आपको 3rd नंबर पे मिल रहा है। तो आप लोग को जो सबसे ज़्यादा आपको सेलेक्ट करना है, किस तरफ से नंबरिंग करना है, वो आपको सबसे जो छोटा आपको नंबर मिलेगा उसी तरफ से सेलेक्ट कीजिएगा। मतलब देखिए यहाँ 3rd पे आपको मिल जा रहा है इधर से करने में, तो आप लोग नंबरिंग इधर से ही करिएगा जिधर से आपको मिनिमम पॉसिबल लोकेंट नंबर आपको मिले, उस तरफ से ही आपको काउंट करना है। लोकेंट नंबर पिछले लेक्चर नहीं, इस लेक्चर में आपको बताएंगे बेटा लोग लोकेंट नंबर क्या होता है। तो देखिए लाइन क्या लिखा हुआ है, बी नंबर द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को उस तरफ से आपको बेटा नंबर करना है, फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच वी गेट मिनिमम पॉसिबल लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर क्या होता है, जहाँ पे कार्बन पे अगर नंबरिंग कर रहे हैं और सबसे जो जहाँ पे आपका जितने जॉन पोजिशन पे आपका साइड चेन है, जिस साइड चेन पे आप नंबरिंग कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर। जैसे यहाँ पे आप लोग को 3rd पे लोकेंट नंबर है, तो ये असाइंड किया जाता है कि पेरेंट कार्बन चेन पे कितने पोजीशन पे उसका साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर। तो इधर से आप लोग काउंट कर रहे थे तो तीसरे नंबर पे था, इधर से काउंट कर रहे थे तो चौथे नंबर पे था। तो मिनिमम कहाँ था बेटा लोग, तीसरे नंबर पे, इधर से कर रहे थे तो यही होता है लोकेंट नंबर। अब आपको मिनिमम लोकेंट नंबर काउंट करना है, तो मिनिमम लोकेंट नंबर इधर से आप नंबरिंग करते हैं तो मिनिमम लोकेंट नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे स्लाइड में मिलते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में देखिए बेटा लोग, आपको एक एग्जांपल है। इसमें आप पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि ये है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद अब देखिए नंबरिंग करना है किस तरफ से। अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो देखिएगा एक जो है साइड चेन, दूसरे नंबर पे 2 गो आ रहा है, तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक तो 2 पर आ रहा है, एक और 2 पे आ रहा है, और एक पाँचवें नंबर पे आ रहा है। तो इधर से अगर आप काउंट करते हैं तो 2 2 5 पे आता है साइड चेन। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है और 5 5 पे 2 आ रहा है। तो अब हम लोग को चुनना है कि किसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या आप लोग को बताएं बेटा लोग कि जो कि मिनिमम पोजीशन पे हो। देखिए क्या है, इधर तो 2 2 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 5 है, तो ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर साइड से, इधर साइड वाला आपको प्रायर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, वैसे ही आप लोग को लोकेंट नंबर है कि लोकेंट नंबर क्या है। तो देखिए बेटा लोकेंट नंबर को बताते हैं आप लोग को, लोकेंट नंबर क्या होता है। तो नंबर जो असाइन करते हैं साइड चेन को, साइड चेन को यहाँ पे नंबरिंग 2 2 दे रहे हैं और यहाँ 5 दे रहे हैं, तो एक तरह से 2 2 पे है तो भी लोकेंट नंबर है, 2 पे एक और है तो भी लोकेंट नंबर है, यहाँ पे 5 पे। तो आप जो नंबर देते हैं साइड चेन में, यहाँ पे पेरेंट चेन में, जहाँ साइड चेन को आप नंबर असाइन करते हैं उसी को बोलते हैं लोकेंट नंबर।
अब देखिए एक और एग्जांपल है आपके सामने, इसमें तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए जो कि ये सबसे लंबा है। आप देखिए नंबरिंग आपको करना है, तो इधर से आप नंबरिंग करते हैं तो ये तीसरे नंबर पर है एक मिथाइल ग्रुप और पाँचवें नंबर पर है एक इथाइल ग्रुप, जो देखिए तीसरे और पाँचवें पे मिल रहा है। और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो सेम आपको तीसरे नंबर पे इथाइल और पाँचवें नंबर पे इथाइल मिल गया। आप तो दोनों तरफ से थ्री पाँच है, थ्री थ्री है, एक तरफ से फाइव है, दोनों तरफ से थ्री है, एक तरफ थ्री है फाइव है, थ्री है फाइव है, तो आपको किस तरफ से सलेक्शन करना है। एक तो देखिए एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो आपको सेलेक्ट करना है किस तरफ से। इधर से भी आपका इक्वल आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है दोनों तरफ से, तो उस सिचुएशन में बेटा अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो थ्री फाइव दोनों तरफ से, इधर से भी आपका आ जा रहा है, तो देखिएगा एक तरफ मिथाइल आ रहा है, एक तरफ इथाइल आ रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकली प्रायर्स जो ग्रुप है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एम है और यहाँ पे इथाइल में इसका ई है, तो जो ई है वो पहले आता है, तो हम लोग जो नंबरिंग है इस तरफ से वाला से कर देंगे, क्योंकि इथाइल है जो कि ई है उसका अल्फाबेटिकल है, तो अल्फाबेटिकल में पहले ए के बाद ए से अगर काउंट करते हैं तो ई आता है, उसके बाद देन आफ्टर दैट एम आता है, तो ई जो आएगा जो पहले आएगा, तो इस कारण से हम लोग ई वाले जहाँ से नज़दीक है इथाइल ग्रुप उधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से इथाइल ग्रुप है जो कि नज़दीक है तो नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे, तो इधर से कर रहे हैं तो थ्री पे इथाइल आ रहा था, पाँच पे मिथाइल आ रहा था, तो नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे, थ्री इथाइल हो जाएगा, फाइव मिथाइल हो जाएगा। कितने नंबर का कार्बन चेन है, तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है, तो हेप्टेन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आप देखिए ऐसे ही कुछ कुछ आपको स्लाइड पे आगे चलते हैं और बताते हैं। तो ये आपका जो अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप को आप जो असाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स रूल बेटा। वो क्या बताता है, अप्लीकेबल होता है कब, जब दोनों तरफ से आपका बोथ एंड से पेरेंट कार्बन चेन का नंबर आप असाइन कर रहे हैं, लोकेंट नंबर वो आइडेंटिकल आ जाए तो ये रूल अप्लाई किया जाता है। और ये रूल बताता है कि जो अल्फाबेटिकली जो नियरर जो साइड होता है उसी को हम लोग उसका नंबरिंग करने के लिए असाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल और है, आप लोग को ये एग्जांपल करके वीडियो एंड कर देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे स्लाइड क्लियर करके बताते हैं, ये देखिए ये आपका पेरेंट चेन है, उसके बाद देखिएगा अगर इधर से काउंट करते हैं तो दो पे क्लोरीन आ रहा है और थ्री पे ब्रोमीन आ रहा है, तो अब किधर से काउंट कीजिएगा, तो क्लोरो है, तो क्लोरो में सबसे पहले सी है और यहाँ पे ब्रोमो में बी है पहले, तो बी पे हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेयर करेंगे, तो बी किधर से नज़दीक आ रहा है, इधर से काउंट करने में, तो यहाँ पर क्या इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा देख लीजिएगा आप लोग, सॉरी यहाँ पर देखिए, देखिएगा दो पे ब्रोमो है तो टू ब्रोमो हो जाएगा, थ्री पे क्लोरो है थ्री क्लोरो हो जाएगा। अब देखिएगा ब्यूट है जो कि बर्ड रूट है, बर्ड रूट आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कैसे बर्ड रूट होता है, कैसे वन डिग्री सफिक्सेस होता है, प्रीफिक्सेस होता है, आपको पिछले वीडियो जरूर देखे दिखिएगा। तो देखिए ये जो है आपको साइड चेन है उसको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं, तो प्रीफिक्सेस का लिख लिए, फिर बर्ड रूट लिख लिए, और जो देखिएगा सारे जो यहाँ पे कार्बन है वो सब सिंगल बॉन्ड से असाइंड है, तो यहाँ पे एन इसका वन डिग्री सफिक्सेस हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं बेटा लोग, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर मिलेंगे, तो चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, धन्यवाद बेटा।